पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्प माला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी, निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वाले तो है खबर क्या ओ भोले भाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, होके से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, तब तब ये आए तब तब ये आए, पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा हे जीरे युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी बात बात में मात पिता को बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचा तानी कदम कदम पर करेंगे दोनों। रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और मेयर विभा देवी समेत तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सांसद जी क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? देखिए समस्त जो रामनवमी शोभा यात्रा के अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को सबसे पहले मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लोग शोभा यात्रा में निकले हैं और जो हमारी सभ्यता रही है जो हमारी तहजीब रही है और हिंदू मुस्लिम एकता सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं और सभी धर्म और समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। एक आपसी भाईचारा दिख रहा है जो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर दिख रहा है। हमारे आगे में जो अकलियत समाज के लोग हैं वो फूल लोगों पे बरसा रहे हैं शरबत की व्यवस्था किया है यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और हम अकलियत समाज के लोगों को भी अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से समाज को बांधने का प्रयास किया गया है इसके लिए सभी जाति धर्म के लोगों को सभी संगठन के लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं और सबों को रामनवमी के अवसर पर अपनी ओर से बधाई देना इसी तरीके से आगे हम लोगों का योजना रहेगा। किसी धर्म का पर्व नहीं है, ये हमारे सारे लोगों का पर्व है, ये सबों का त्यौहार है। जिस तरह से आज रामनवमी शोभा यात्रा है हम सबों से अपील करेंगे उसी तरह से मुस्लिम का ईद और मुहर्रम में भी हम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या कहेंगे समस्त पूर्णियावासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें हम सभी श्रद्धालुओं ने मिलजुल कर भाग लिया है और सभी धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। आज आप लोग पूरा निकले हुए हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, कितना अच्छा लग रहा है? आज हम लोग सभी शामिल हुए इस शोभा यात्रा में, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं और जगह जगह पे पानी और खीर की भी व्यवस्था की गई है चौक चौराहे। क्या कहेंगे ये आप भी शामिल है, क्या कहेंगे, कितना अच्छा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो कितना अच्छा माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा, ये पहली बार ऐसा माहौल दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोग मिल करके इस बार जो माहौल बना है और यही हम लोग आशा करते हैं कि हर साल इससे भी बेहतरीन हम लोग सद्भावना जो कायम हो वो हो रहा है और होगा वो हर माने मुहर्रम में भी हो और रामनवमी में हो रहा है आगे ईद में होगा दुर्गा पूजा में होगा सब ये शुरुआत है। ये पूर्णिया से लग रहा है कि पूरा देश पूरा विश्व को एक अच्छा मैसेज यहाँ से जी पूर्णिया से बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा, पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज आएगा, पूरे देश में एक मैसेज आएगा। निश्चित रूपेण सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि पूर्णिया ही एक ऐसी जगह है जहां इस तरह का कार्य हो सकता है और पूरे देश में मैसेज जा सकता है। कुछ महिलाएं और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज समाज
सेवा में बहुत काम करती रहती है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा रह रहा है, ये माहौल जो है पूरे सौहार्दपूर्ण है और आने वाले समय में भी एक इतिहास रचेगा पूर्णिया। और भाईचारे का जो संदेश है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो लिए ये शोभा यात्रा निकाला जाता है बहुत यादगार रहेगा। और हम पूर्णिया वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ कि ये शांतिपूर्ण सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और सभी लोग काफ़ी उत्साह के साथ शरीक हो रहे हैं और हमारी जो परंपरा है उसको इसमें दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ किस तरह से खीर का वितरण, प्रसाद का वितरण यहाँ किया जा रहा है, कहीं स्टॉल लगा करके पानी का वितरण किया जा रहा है। सांसद जी अभी खुद से वितरण कर रहे थे और जो पूर्णिया नगर निगम के महापौर हैं विभा कुमारी वो खुद कर रहे थे और जो सहयोगी लोग हैं वो तमाम लोग कर रहे हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं, सब एक साथ मिल करके इस पर्व को मना रहे हैं, काफ़ी उत्साह काफ़ी खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। तो निश्चित रूपेण हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिया का जो ये पर्व है, पूर्णिया में जो ये पर्व हो रहा है वो काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है और इसमें सारे लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं और जो नज़ारा है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि किस तरह का नज़ारा है। ये पूर्णिया के रजनी चौक का नज़ारा है जहाँ से अब जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल लोग, वो जो काफिला है वो लगभग गुजरना प्रारंभ हो गया है, उसकी पहली झलक है ये। और अभी जो इसके बाद जो प्रतिमा है जो अलग अलग रूपों में लोग सजकर गाड़ियों पर बैठे हुए हैं वो तमाम लोग इस होकर के गुजरेंगे तो उन लोगों को देखने के लिए देख रहे हैं किस तरह से छत पर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं कतारबद्ध में ताकि वो जो नज़ारा है उसको हम देख पाए, उसका एक झलक ले पाए। किस इंतजार में आप लोग? रामनवमी के जुलूस देखने के लिए। तो प्रतिवर्ष आप लोग आती हैं यहाँ? देखने के लिए आती है। इस बार कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुताबिक बहुत बड़ा है इस बार। सुने उत्साह और जग गया है। ये सारे लोग देख रहे हैं कि बच्चों के साथ बड़ों के साथ सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोग कब से खड़ी हैं? कब से खड़ी हैं? एक घंटा हो गया। एक घंटा से? अच्छा, किस उत्साह के साथ खड़ी हैं? क्यों, क्या राम जी का मन वही देखने के लिए? देखने के लिए ऐसा देखते हैं आप? ये काफी भीड़ है और देख रहे हैं कि ये लोग खड़े हैं और भीड़ में लोग यहाँ कतारबद्ध होकर के जुलूस को देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कैसा लग रहा है? बहुत ही पूरा एकदम माहौल एकदम पूरा भक्तिमय हो गया है, पूरा गेरुआ गेरुआ हर जगह गेरुआ और ये गेरुआ का क्रेज हो गया एक तरह से हम लोग का सबका, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग जवान सबका, हम लोग का क्रेज में अभी गेरुआ। बहुत ही ज़्यादा, इतना कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उत्साह है अभी अभी पूरा। हम लोग पूरा बाइक का अलग है, पैदल अलग है, कार अलग है, सब अलग है, पूरा पूरी भक्ति में हो गया अभी। जय श्री राम, जय श्री राम का। किस तरह से भीड़ है यहाँ, पूरी भीड़। पूर्णिया के झंडा चौक के पास हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ देखिए किस तरह का नज़ारा है और एक बच्चा देखिए ये गाड़ी पर खड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, ऊपर करके और जोर से बोलो जय श्री राम, ऊपर करके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सारे लोग जय श्री राम, क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप जी? क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लेकिन हमारे भारत महान, मेरा भारत महान, जय श्री राम, मेरा भारत महान, जय श्री राम के नारों से गूंज गया है पूर्णिया शहर। और खासतौर से मैं बताना चाहूँगा कि पूर्णिया में एक बड़ी भीड़ यानी कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ आई हुई है और हमारे साथ हमारे ही चैनल के एंकर मौजूद हैं मोमिता देवनाथ जी। हम उनसे गुजारिश
कोशिश करेंगे कि वो भी यहाँ से रिपोर्टिंग करें। आज रामनवमी का पावन त्यौहार है और आज इस त्यौहार को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। और आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ मर्यादा के प्रतीक नहीं है बल्कि उत्तम पुरुषों में भी उनको माना जाता है। आज हम लोग का ये पर्व जो है ये पूर्णिया के और देश के हर एक युवा पीढ़ियों को ये संदेश दे रहा है कि आप ही अपने मर्यादा को बरकरार रखें, आप ही अपने उत्तम व्यवहार के साथ लोगों के पास और पूरे देश के पास एक अच्छी उदाहरण पेश कर सके। आज हमारे साथ यहाँ पर पूरे पूर्णिया हम लोग झंडा चौक पे है और झंडा चौक पे पूरे पूर्णिया के लोग जो है यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और बहुत ही अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। रामनवमी के उत्सव पर राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसी खुशी में आज राम जी का इस बार विजय का दिन होता है। राम जी का जन्म हुआ था, शत्रुओं का नाश कर होता है और जी का विजय होता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि महिलाओं में भी खासा उत्साह है सबको लेकर। और एक बात आपको बता दें कि पूर्णिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पूर्णिया में पहली बार हिंदू मुस्लिम सब जाति सब समुदाय के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस उत्सव को मना रहे हैं जो कि देश के लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है। आज देश में जहां लोग जाति संप्रदाय के आप में चल रहे हैं वहां पूर्णिया के इस पावन धरती पर पूर्णिया के इस धरती पर लोग बच्चे बड़े हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग यहां पर एक साथ एकजुट होकर इस रामनवमी के त्यौहार को मना रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है पूरे देश की जनता के लिए। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं जो बोलने वाले हैं जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं हम सबसे बोलना चाहते हैं, सब एक साथ बोले, जोर से बोले। आप देख रहे हैं कि किस तरह से खासा उत्साह है यहाँ के महिलाओं पर। हम भी महिला हैं और यहाँ के उत्साह देखने लायक है। जो खास तौर से शोभा यात्रा है उसको दिखाने के लिए क्या कहेंगे, कितना मजा आ रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा को देखते हुए हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग भारत के हर एक आदमी एक है। भारत माता के जय। आज सौहार्द आपसे सौहार्द को दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर यहाँ पर इस त्यौहार को मना रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है पूर्णिया की जनता के लिए और पूरे देश के लिए। ये शोभा यात्रा जो अभी झंडा चौक होते हुए आगे बढ़ती हुई, भक्तों की काफी भीड़ और जयकारे के साथ पूरा माहौल जय श्री राम के जयकारे के साथ गूंज उठी है।